गुड मॉर्निंग, आई एम कंप्यूटर टीचर ऑफ मनबोधन प्रसाद पब्लिक स्कूल श्याम नगर से बिसे एफिलेटेड स्कूल. टुडे आई एम टीच टू पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द टॉपिक आर माउस एंड सीपीयू. ओके चिल्ड्रन, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के मेन फोर पार्ट्स कीबोर्ड एंड मॉनिटर के बारे में पढ़ा था. आज हम माउस के बारे में पढ़ेंगे. Mouse is also main part of a computer. A computer mouse has two or more buttons. A computer mouse में दो या दो से अधिक बटन होते हैं. It is called pointing device. इसको pointing device भी कहा जाता है. It is used for selecting, moving and any item that can be seen on the monitor. हमें monitor पे जो भी चीज़ दिखती है उसको select करने के लिए या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे move करने के लिए mouse हमारी help करता है. When you move the mouse, a pointer also moves. जब हम mouse को move करते हैं तो जो इस मॉनिटर पे हमें पॉइंट दिखता है, पॉइंटर दिखता है, वो भी मूव होता है. तो ये कंप्यूटर का माउस का वर्क है. नाउ सीपीयू, फोर मेन पार्ट इज अ सीपीयू. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का फुल फॉर्म सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, P stand processing and U stand for unit. It is also called brain of a computer. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. It control all the activities of a computer. ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. It has a large memory. इसमें बहुत अधिक मात्रा में मेमोरी होती है. The part of a computer are connected to the CPU by wire. Computer के वे सभी parts जो कि CPU से connect होते हैं by wire, मतलब कि wire के द्वारा ही CPU से वो connect होते हैं.